नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप आर्यन है। बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा सीट की। इस बार कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो एक बड़े चेहरे शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। नाम उनका लव सिन्हा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में कैंपेनिंग किया जा रहा है। सासाराम, गया, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, अपना बात रख रहे थे। चाइना की बात वो कर रहे थे, पर बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, जो बाढ़ आता है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप थे। इस पर पलटवार किया गया है शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। देखिए क्या कुछ कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का प्रधानमंत्री के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने काफी जमकर प्रशंसा की है तेजस्वी यादव की। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को विरासत में राजनीतिक सूझबूझ मिली है, जिसका प्रभाव और जिसका चुनाव परिणाम पर असर 2020 के विधानसभा में साफ देखने को मिलेगा। हाँ, नहीं, अच्छा है। बहुत इस बार बहुत माहौल गर्म हो चुका है अभी, और राजनीतिक सरगर्मी जो है अपने शिखर पे है। लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, और अभी जो है बदलाव मुझको इस बार अवश्यंभावी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के अपने वायदे एक तरफ, प्रधानमंत्री जी का अपना दौरा देख रहे हैं कितना लैकलस्टर हो रहा है। लोगों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, लोगों की प्रशंसा भी नहीं हो, लोग प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं, और न साथ मिल रहा है। लोग उनकी बातों को, अगर वो यहाँ पे आके और कुछ कहने को नहीं है तो अब चाइना की बात यहाँ निकाल रहे हैं, वहाँ तो निकालते नहीं हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी कहते हैं कोई ना घुसा है, न आया है, न गया है, इस तरह की बातें करते हैं। और आज यहाँ बिहार में आके उनको बात करनी चाहिए कि यहाँ बेरोज़गारी की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी चाहिए, मुफलिसी की बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए उनको कि यहाँ पर कैपिटल इनकम इतना कम क्यों है, किसानों की आमदनी जो है पंजाब के किसानों से एक चौथाई कम क्यों है, इतनी सारी वे हमारे माइग्रेंट्स, हमारे लेबर जो हैं वो कैसे है, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग चल चल के आए, वो जब मर जाते हैं रास्ते में, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट होता है, सरकार से पूछे जाने पे ही प्रधानमंत्री के लोग कहते हैं हमारे कि साहब कोई डाटा नहीं है, ना डेटा के बगैर क्या की सरकार, ना उनको आंकलन है, ना पता है ना कि क्या हो रहा है। अब यहाँ बिहार में आ रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तेजस्वी का नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व दिखता है। अगर आपको याद हो तो मैंने खुद कहा था शुरू में कि बिहार का चेहरा जो है हमारा भविष्य और वर्तमान चेहरा मुझे तेजस्वी याद दिखता है। इसलिए नहीं कहा था मैंने कि सो सिर्फ वो हमारे पारिवारिक मित्र तो लालू यादव जी के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कहा था कि उसको विरासत में अच्छी सीख, समझ, पकड़ और उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, और साथ ही साथ जिस तरह से युवा शक्ति की बेकरारी देख रहा हूँ, बेचैनी देख रहा हूँ, ललायत है जिस तरह से युवा शक्ति, उसके नेतृत्व के लिए हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व का, मैं तो कहूँ तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत मेच्योर्ड हैं, बहुत समझदार हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इनको सोनिया जी का आशीर्वाद मिला है, राहुल जी का इतना इनको समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। ठीक ही शायद कहा है कि किसकी विदाई की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि इनका आगमन तय है। अपना नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि चुनाव में मैंने बाप को खामोश किया था और बेटे को खामोश नितिन नवीन करेंगे। फिर बाद में बात करते हैं, थैंक यू। भाजपा सर 19 लाख लोगों को सर रोजगार बताइए, अब उनको पैसे भी मिल जा रहे हैं सर। हालांकि देखिए उसमें कैच है, बहुत समझ के कहा है, बहुत घबराते घबराते सहमते सहमते कहा है, कहा क्या कहलवाया गया है, एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी जो है हमारी, एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी, क्या नाम उनका, सीतारामन जी। हाँ, यहाँ तो ज़्यादातर मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते ना आपको, क्योंकि मंत्री तो कोई है नहीं यहाँ, बाकी सब संतरी हैं, एक ही मंत्री है हाँ प्रधानमंत्री, और दूसरे हमारे अपना मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह हैं। तो वो जो एक्ट ऑफ गॉड के तरफ से कहा है उन्होंने कि सो ये 19 लाख रोज़गार की जो बात की है, तो अब जरा 19 लाख रोज़गार का अवसर प्रदान करने की बात की है, यानी हम अवसर प्रदान करेंगे, कह देंगे सामने तारा है, देखो तुमको अवसर दिया, तारा है, अब तारे तोड़ लो, ये क्या अवसर की बात की है। लेकिन मान भी लें
कि 19 लाख रोजगार देने की स्थिति में हैं, पहली बात अभी तक दिया क्यों नहीं, कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो कि सफाई विभाग में हो कि टीचर्स का हो, कितनी नौकरियां दिया क्यों नहीं। और दूसरी बात, आप देंगे तो अब पैसा कहां से आएगा, इनके 10 लाख पे है, जो 10 लाख में कितनी नौकरियां तो बिहार सरकार की अभी लंबित पड़ी हुई हैं, पेंडिंग है, 4 लाख से ज़्यादा पेंडिंग है, लाख से ज़्यादा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में कितने पेंडिंग है, जिसको कार्यान्वित करेंगे और पहली कलम से, पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद वो करेंगे 10 लाख नौकरी की बात करेंगे। और मैं जानता हूँ करेंगे और करके दिखाएंगे कि उन्होंने राय मशवरा करके किया हुआ है, ब्रीफिंग लेके की हुई है, सब लोगों से पूछताछ के किया हुआ। लेकिन अगर उसके बावजूद इन्होंने इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की, तेजस्वी की और इस महागठबंधन सरकार की और इस घोषणा की, तो अब इन्हें कहिए इनके पास 19 लाख का कहाँ से आएगा, सारे पैसे पुल बनाने में, पुल जो ढह भी गए ये करके। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तो आपने शत्रुघ्न सिन्हा को सुना, बांकीपुर में कैंपेनिंग किया जा रहा है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लव सिन्हा की तरफ से, और अभी से रण में उतर चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, भाजपा के एक कद्दावर नेता रहे हैं, पर बागी हो चुके हैं और कांग्रेस में इन्होंने अपना किस्मत आजमाया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि वहां पे इन्हें हार मिली थी, पर ये बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि लव सिन्हा 2020 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर नितिन नवीन को हराकर जीत रहे हैं। 19 लाख रोजगार का जो दावा किया गया है भाजपा के द्वारा, उस पर भी कटाक्ष किया गया है शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। बांकीपुर बहुत हॉट सीट बन चुका है, पुष्पम प्रिया चौधरी शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा और नितिन नवीन के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। सारी अपडेट बांकीपुर से जुड़ी आप तक अजेस बिहार पहुंचाते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।